दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और अभी आपके सामने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन जो कि इंडिया में आपको काफ़ी जल्द एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पे बेस्ड एक मिड साइज एसयूवी ऑफर करने वाले हैं। कई सारी गाड़ियां इन्होंने ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस करी है, तो आज हम बात करेंगे एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कैसे वर्क करती है, कैसे ये डिफरेंट है आपके एक पेट्रोल या फिर एक डीजल पावर ट्रेन से। बेसिक्स के ऊपर नहीं जाके पूरा डिटेल में जाएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कैसे एक डीसीटी ट्रांसमिशन में आपको इंटीग्रेट की गई है एक जनरेटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर और इस गाड़ी का जो कंबाइंड माइलेज अभी कंपनी क्लेम कर रही है वो कर रही है 1.34 लीटर ये फ्यूल लेगा पर 100 किलोमीटर, जो कि होता है 74 किलोमीटर का माइलेज गाड़ी देगी, यानी कि 74 KMPL का माइलेज जो कि आपको शायद बजाज प्लेटिना भी ना दे इतना। तो कैसे ये वर्क करती है, क्या इसका पूरा फंडा है, ये बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें मिलता है आपको 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन जो कि है इसका टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, आप टर्बो की लोकेशन देख सकते हैं। और ये इंजन कोई नॉर्मल इंजन नहीं है, ये जो आपको इंजन दिया गया है ये मिलर साइकिल के ऊपर बेस है, यानी कि जो आपके पास पेट्रोल नॉर्मल गाड़ी है उसमें आपको ऑटो साइकिल के ऊपर बेस्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, ये मिलर साइकिल के ऊपर बेस है। अब मिलर साइकिल क्या होती है इसकी बात भी अभी आगे करेंगे। बाकी जो इस इंजन की पावर है वो आपको नियर अबाउट 220 BHP की ये पावर देगा, 385 Nm का इसका मैक्सिमम टॉर्क है और इसमें आपको दिया गया है 9 स्पीड का डीसीटी ट्रांसमिशन जिसमें आपको इंटीग्रेट किया गया है जनरेटर और अल्टरनेटर यूनिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी पूरी बैटरी मॉड्यूल्स जो कि हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में होती है, सिर्फ डिफरेंस यही है क्योंकि एक हाइब्रिड गाड़ी है तो आपको उसमें पेट्रोल इंजन भी दिया गया है और इलेक्ट्रिक मोटर्स भी दी गई है। ये आप इसका फ्रंट एक्सल देख रहे हैं और अगर आप बात करें पीछे, ये इसका फ्रंट रियर एक्सल है, तो ये गाड़ी एक 4x4 व्हीकल है तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी इसकी टॉप नॉच की होने वाली है। अभी जो आपको इसमें टायर शोकेस किया गया ये किया गया 255/50R20 का आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिलती है, तो एक तरीके से कम्पीट कर सकती है जीप कंपास के साथ। अगर आपने रियर की अगर आप इसकी पावर ट्रेन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका मेन डिफरेंशियल जहाँ आपको पूरी टायर रॉड्स और ये सब कुछ देख रहे हैं। बाकी ये है इसके बैटरी के कंट्रोलर और इसी में नीचे आपको मिल जाती है इसकी मोटर और जो वर्क कर सकती है अल्टरनेटर का, जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए ये आपकी बैटरी को चार्ज कर देगी, इसी से चार्ज हो जाएगी जब आप ब्रेकिंग कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को कन्वर्ट करके आपकी बैटरीज को चार्ज कर देगा। ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड दोनों मतलब, तो ये है हाइब्रिड भी है तो मतलब जब आपको फ्यूल खत्म हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप इसकी बैटरी को अलग से भी चार्ज कर सकते हैं और इसमें आप पेट्रोल डाल के भी इसको चला सकते हैं, दोनों से चल जाएगी। तो ये तो था इसका ओवरव्यू। अब हम आते हैं कि कंपनी ने कहा है कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर में 1.31 लीटर फ्यूल लेगी, यानी कि 74 किलोमीटर का माइलेज जो कि बजाज प्लेटिना भी आपको नहीं दे सकती, तो ये पॉसिबल कैसे है। ये पॉसिबल ऐसे है कि इसमें जो अलग अलग रेंज बनाई गई है, जैसे कि ये गाड़ी अगर 40 KMPS तक चले तब तक ये सिर्फ बैटरी में चल सकती है, उसके बाद इसका जो IC इंजन है यानी कि पेट्रोल इंजन है वो किक इन हो जाता है जो कि आपको और ज़्यादा बड़ी एक्सेलरेशन और ज़्यादा बेटर पावर दे। तो कंपनी ने काफ़ी क्लेवरली इस स्टेटमेंट को दिखाया हुआ है, मतलब सिंपल सी बात है 74 KMPL इम्पॉसिबल सा एक फिगर है जहाँ आपको क्रेटा 15 का माइलेज भी नहीं देती है, तो ये कैसे हो सकता है। फ्रंट का लुक अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल एक जैसे आपको कोई भी पेट्रोल गाड़ी दिखे वही इंजन है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है इसमें आपको गेयरबॉक्स के साथ इलेक्ट्रिक मोटर को इंटीग्रेट किया गया है, उसी में आपको डीसीटी ट्रांसमिशन मिल जाता है 9 स्पीड का। ये इसका ड्राई क्लच डीसीटी है, वेट क्लच नहीं है। तो ये कुछ है इसके पूरे फ्रंट्स का लुक। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये इंजन आपको मिलर साइकिल के ऊपर बेस है और आपकी जो दूसरी गाड़ियाँ होती है यानी कि 2 लीटर में आपको जो भी इंडिया में इंजन मिलता है, मान लीजिए आपको इलांट्रा में जो 2 लीटर का इंजन मिल रहा है वही सेम कैपेसिटी का इंजन ये भी है, लेकिन ये मिलर साइकिल के ऊपर बेस है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। और ये है इसके पूरा लुक। तो एक तरीके से एक हाइब्रिड व्हीकल है, आप समझ गए कि जो आपकी इसका जो इंजन है ये आपके जनरेटर को रोटेट करेगा जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, आपका व्हीकल भी मूव करेगा। और अगर आपकी कभी पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप सिर्फ बैटरी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, बैटरी को सेपरेटली इससे चार्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं बैटरी को भी आप सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको इंडिपेंडेंस दे देता है एक तरीके से, बहुत है। अभी गवर्नमेंट इसमें ऐसा कुछ सब्सिडी ऐसे लेके नहीं आई है जैसे FAME II और ये सारी चीज़ें। तो बाकी डिटेल की और बात करें तो बस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।